हाँ जी, सो दिस इज दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज लेवल्स जो हमने कल स्टडी किए, स्पीशी लेवल हो गया या फिर दूसरा बायोडाइवर्सिटी लेवल है या फिर जेनेटिक लेवल है, इन सब की इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी में। जेनेटिक लेवल दैट इज अगेन रिलेटेड टू द स्पीशी, इकोसिस्टम लेवल इज अगेन रिलेटेड टू द स्पीशी, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्पीशी वी कैन सी बोथ दीज लेवल्स एज वेल, द बायोडाइवर्सिटी कैन बी सीन बाय दिस, राइट। सो ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमने चेक करी है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीशीज रिचनेस, राइट। कल हमने पढ़ा जो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है या स्पीशी रिचनेस है अलॉन्ग विद द एरिया, हाउ इट इज एक्चुअली इफेक्टिंग द एरिया इज इफेक्टिंग द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्पीशीज, राइट, और द काउंट ऑफ द स्पीशीज हाउ इट इज इफेक्टेड विद द एरिया। सो स्पीशीज दे आर द मेन, यू कैन से हियर इन बायोडाइवर्सिटी व्हाट इज द मेन फैक्टर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, दैट इज द स्पीशी। सो स्पीशीज हाउ आर दे इम्पॉर्टेंट, वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्पीशी इन रिगार्ड टू द बायोडाइवर्सिटी, वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्पीशी विद रिगार्ड टू द बायोडाइवर्सिटी, और वी कैन से द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्पीशी डाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, स्पीशी की जो डाइवर्सिटी है इकोसिस्टम में वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से इसका जरूरत जो है वो हमें महसूस होती है, दैट इज फॉर द स्पीशीज, वेदर और इफ दे आर रिक्वायर्ड और नॉट, मीन्स दे आर, अगर ये एबसेंट भी हो जाते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ता है या नहीं। ठीक है, इसके लिए बाकी एज सच बहुत ज्यादा एक आंसर आप प्रोमिनेंट, यू कैन से साइंटिफिक टाइप ऑफ एन आंसर वी कांट गिव फॉर दिस, दिस इज ओनली अ काइंड ऑफ द फिलोसॉफिकल आंसर इज रिलेटेड टू दिस, दैट वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पीशी इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी की स्पीशी की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसके बगैर बायोडाइवर्सिटी स्टेबल है, बायोडाइवर्सिटी में इकोसिस्टम स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, सो दैट इज अ क्वेश्चन, सो दिस कैन बी ओनली फिलोसॉफिकली आंसर एज इट वॉज गिवन बाय अ पर्सन दैट इज पॉल एलरिच, ही गेव एलरिच, दिस इज आर आई सी एच एलरिच, पॉल एलरिच, ही गेव वन कंसेप्ट दैट ऑफ द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ही ओनली कंसर्न्ड दिस विद सम फिलोसॉफिकल आंसर and he gave that answer a heading as, or he called it as rivet popper hypothesis. ठीक है, उन्होंने बोला कि ये एक रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से हम इस फिलोसॉफिकल आंसर को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी से दैट द होल ऑफ द इको सिस्टम, दैट इज लेट से अब रिवेट्स क्या है यहाँ पे, दे आर द स्क्रूज, ठीक है, द स्क्रूज विच हैव बीन यूज्ड टू मेक एन एयरप्लेन, राइट। तो ही हैज कंसर्न्ड an airplane equivalent to an ecosystem, he said that let us consider an airplane that is equivalent to an ecosystem and the rivets here, that is to make up these connections in the airplane, the rivets, they are the species which are, they represents the species which are present in an ecosystem, clear. So this is according to him, he has given this view that the airplane, लेट अस कंसिडर, क्योंकि मैंने बोला फिलोसॉफिकल आंसर है ये, ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सो लेट अस कंसिडर एयरप्लेन इक्विवेलेंट टू इकोसिस्टम एंड द रिवेट्स दैट आर द नट्स एंड द बोल्ट्स ऑफ इट, दे आर इक्विवेलेंट टू द स्पीशीज, है ना। तो अब यहाँ पे उन्होंने ये पूरे हाइपोथेसिस में क्या बताया कि इनिशियली अगर एक एयरप्लेन से, एक एरोप्लेन से थोड़े से रिवेट्स अगर हटा दिए जाए, मतलब एक एरोप्लेन से अगर हर पैसेंजर जो उसमें बैठा है, अगर वो हर पैसेंजर कोई एक एक रिवेट जो है वो हटा देता है फ्रॉम द सीट और समथिंग लाइक, तो वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचेगा शायद एयरप्लेन को पूरा एज अ होल। बट अगर वो सारे रिवेट्स हटा देंगे, अगर वो सारे रिवेट्स, मैक्सिमम रिवेट्स हटा देते हैं, यहाँ रिवेट्स हटते हैं फ्रॉम द विंग्स ऑफ द एयरप्लेन, ठीक है, तो वहां से अगर ये रिवेट्स को हटा दिया जाता है, जहां मेन जोन है वहां से अगर ये रिवेट्स को हटा दिया जाता है, तो एरोप्लेन की जो फ्लाइट है यानी कि जो उसकी मूवमेंट है वो खराब हो सकती है। ऑब्वियस है, पहले नट्स एंड बोल्ट्स ने उसको फिक्स करके रखा हुआ है और एरोप्लेन जो है वो अच्छे से चल रहा है, लेकिन जब इसमें से हमने सारे रिवेट्स हटा दिए यानी कि उसके नट्स एंड बोल्ट्स हटा दिए, तो इट हैज इफेक्टेड द फ्लाइट ऑफ द एरोप्लेन और द वर्क ऑफ द एरोप्लेन। सो दैट इज सेम एज फॉर स्पीशीज, अगर तो हम स्पीशीज का कुछ एक दो काउंट का बात करें, मतलब इफ वी हैव थाउजेंड्स ऑफ द स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम एंड वी से लाइक हंड्रेड्स ऑफ देम हैव बीन एक्सटिंक्टेड, इट इज ओके। ठीक है, वो एक काउंटेबल टाइप में हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है, अगर इतनी 150 अगर इसमें स्पीशीज कम हो जाती है तो इट इज नॉट मेकिंग अ बिग डिफरेंस टू द इकोसिस्टम्स वर्किंग, बट येस ऑफ कोर्स इफ दैट इज केप्ट ऑन रिमूविंग, मतलब अगर नेचुरल कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई या फिर
कुछ भी और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल, ये स्पीशीज खत्म होनी शुरू हो गई हैं। सो उसमें धीरे धीरे स्पीशी काउंट अगर एक्सटिंक्ट में जा रहा है तो वो डेफिनेटली इकोसिस्टम को, उसकी वर्किंग को इफेक्ट करेगा। ठीक है, दैट्स एन हाइपोथेटिकल आंसर। सो दैट इज रिलेटेड विद द एरोप्लेन एंड रिवेट्स, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बेटा दिस इज अ पार्ट ऑफ योर टर्म टू चैप्टर। So this question has been there as such several times in your boards. What is Rivet-Popper hypothesis? Who gave this Rivet-Popper hypothesis and justify it with the whole concept of this Rivet-Popper hypothesis? So this is a question of 3 marks, right? So this was considering or just making the correlation between the two factors, two things. एक एरोप्लेन को इकोसिस्टम मान लिया और स्पीशीज को उसके रिवेट्स मान लिया। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम स्पीशीज को किसी प्रोमिनेंट जोन में से हटाते हैं, यानी एलिमिनेशन हुआ कुछ ऐसे जोन में से जहां पे वो स्पीशीज सिर्फ वहीं पे ही थी और कहीं पे वो स्पीशीज अवेलेबल ही नहीं थी, ठीक है, और वहीं पे इफेक्ट आ गया, लेट्स से कोई फॉरेस्ट फायर हो गया या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होगी जिसकी वजह से वो स्पीशी खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है, तो वहां पे सबसे बड़ा लॉस आएगा टू द इकोसिस्टम। जैसे विंग्स की बात करें तो सबसे बड़ा लॉस, डायरेक्ट लॉस आता है इकोसिस्टम में, क्योंकि एक ही जगह पे थी और उसी जगह पे ये खत्म हो गया, एंड हेंस देयर इज नो मोर स्पीशी अवेलेबल फॉर दिस। ठीक है, सो दिस इज दैट लॉस विल नॉट बी सपोर्टेड बाय सम अदर लॉस, राइट? सो दैट इज व्हाट, दैट इज द रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट इज, नाउ यहां तो हमने बोला कि स्पीशीज का लॉस हो रहा है और ये स्पीशीज खत्म होती जा रही है, ये स्पीशीज खत्म क्यों होती जा रही है, what are the various causes for the loss to biodiversity and how can we conserve it? So the next topic is that what are the causes for the loss of biodiversity, what are the reasons concerned with the loss of biodiversity, biodiversity loss kin reasons ki wajah se ho rahi hai. Theek hai, sabse pehla that is the very prominent one is because of the human activities only. We are building up many of the houses and many of these things are being built up, industries, roads and everything, and the species, they have been eliminated out from their habitats, hai na, unko remove karke obviously aap ye sari building purposes ya ye cheezon ko use karte hain, hai na, so that is they are losing their own natural habitats. Number one problem, the number most one you can say prominent reason, that is the fragmentation, or that is their habitats have been lost. Fragmentation means उनको एक जगह से दूसरी जगह में अलग कर दिया गया है, ठीक है, कुछ species को दूसरी species से अलग कर दिया गया है, या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं the loss of habitat. So this is the first factor. For if the species will lose their habitat, for if the species they are going to be separated from their own companions, है ना, जो उसकी population है उसी में से अगर उसको separate कर दिया जाता है तो there will be less chances for that species to survive in an ecosystem. Species का survival rate कम हो जाएगा because they have lost their companions, they have lost their habitat. ठीक है, so this is the first reason for the loss to the biodiversity. Clear? Second can be the maximum use or overuse of these species. ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन मींस दैट द स्पीशीज दे आर यूज्ड अबंडेंटली, दैट इज उनका जितना उनका कैपेसिटी है उससे भी ऊपर उनको यूज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है उनकी अपनी नॉर्मल जो फंक्शनैलिटी है वो खत्म होती जा रही है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्पीशीज. व्हाई ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज रिक्वायर्ड, यस टेल मी, what is the need for, इतना ज्यादा क्या हो गया कि हमें मतलब exploit तो करना है लेकिन over exploit कर रहे हैं humans जो हैं उन species. What according to you is the reason for over exploitation? हाँ जी, that is only their greed, है ना, greed for the products. Products की इतनी ज्यादा हमारे को demand पड़ जाती है और बहुत ज्यादा, एक तो डिमांड होता है एक नॉर्मल लेवल के लिए, डिमांड जितना क्या है सोसाइटी से उतना कम ने दे दिया, ठीक है, प्रोडक्ट बना तो दे दिया, आगे भेज दिया, कंज्यूम हो जाएगा, देन द नेक्स्ट विल बी टेकन. बट व्हेन द पर्सन और द ह्यूमंस दे बिकम वेरी ग्रीडी टू टेक द प्रोडक्ट्स एज वेल एज द मच ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम दैट प्रोडक्ट्स,
और उन एनिमल्स को वो एक्सप्लॉइट करते हैं, देन दैट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड हेंस दैट लीड्स टू द लॉस टू द बायोडाइवर्सिटी, दैट लीड्स टू द डैमेज टू द बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारी स्पीशीज ऐसी जो लॉस्ट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल इज अ पैसेंजर पिजन, पैसेंजर पिजन, और देयर इज ऑल्सो द स्टीलर्स सी काउ. दीज आर सम ऑफ द मेंबर्स दैट विच हैव बीन एक्सटिंक्टेड, जो खत्म हो गए हैं. स्टीलर्स सी काउ, दीज हैव बीन एक्सटिंक्टेड फ्रॉम द environment just because of the exploitation. ठीक है, इनको इतना ज्यादा usage इनके products और इनको इतना ज्यादा use कर लिया गया that they have been finished, they have been extincted in the past some 500 years ago, they have been extincted, right? The next one is when they are in a habitat. एक तो है कि habitat loss हो जाए, ठीक है, वो habitat ही खत्म हो गया. दूसरा है कि वो habitat में कोई नवी species आ जाए, है ना, जैसे ऑलरेडी कुछ स्पीशीज रह रही हैं एक हैबिटेट में, उसमें कुछ एक नवा स्पीशी इंट्रोड्यूस हो जाए, देन कंपटीशन बढ़ जाएगा, जो सुपीरियर है वो सरवाइव करेगा, जो इन्फीरियर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे. हो सकता है जो ऑलरेडी स्पीशी हमारी रह रही थी वो लेस सुपीरियर थी एज कम्पेयर टू द वन विच हैज इन्वेडेड इट, तो दैट विच एक्चुअली लीड्स टू द फिनिशिंग अगेन टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द इन्फीरियर वेराइटी एज इन कंपेरिजन टू द सुपीरियर. सो दिस इज वॉट, दिस इज सम फॉरन स्पीशी हैज बीन एंटर्ड or that has made an entry into the same habitat. So that is a alien species invasion. Matlab, kuch foreign species invade kar gayi hain to a habitat where already the organisms were surviving, right? For example, you know that there is a carrot grass, that is a ek putkanda, that is a wild grass, hai na? That where if present, it's a wild plant actually. ठीक है, that's a general common example. So that is where it is present. There the new plants or the other surrounding plants will themselves be dying. That is that strong and that wild plant. ठीक है, wild है, wild varieties obvious है, जहाँ पे भी grow करेंगी वो अपने competitors को खत्म करेंगी because they themselves have the potential for getting organized, for getting their growth and development. Okay. Then there is an example of the introduction of the Nile perch. This Nile perch, that is fishes introduced into the oceans. When that was introduced, there was the extinction of the chitlid fishes. ठीक है, तो chitlid fish जो थी, उसकी extinction हो गई. Right? This led to the finishing of or the extinction of the chitlid fishes. Similarly, there is one वो जिसको आप बोलते हैं water hyacinth, Aishonia, है ना? The introduction of Aishonia. That leads to various of the aquatic organisms to be extincted from that water habitat. ठीक है, वो water habitat से वो खत्म हो सकती हैं because it is that fast in its growth. Aishonia का हमने पहले भी पढ़ा था, water hyacinth. It is very quick in its growth. In the growth of the this plant growth is very quick as compared to the other members which are growing in the same habitats. ठीक है, even the example can be that of the invasion of the Periplaneta americana, that's a cockroach, है ना? Because of the invasion of the Periplaneta americana, that's a brown cockroach which are available at your homes. That is not an Indian variety, that is not an Indian species. The Indian species was white in color. That are the white cockroaches. If you see the progeny of the cockroaches, you will see that the white cockroaches they have been diminished, they have been extincted out because of the introduction of the Periplaneta americana cockroaches that are brown. And they were more strong and hence in years, मतलब there were year long passage, ये पूरा था, एक पूरा pathway था पूरा years का, लेकिन वहां पे क्या है, ये खत्म हो गई पूरी स्पीशी, ऑलमोस्ट खत्म है. अगर आप देखेंगे तो एक पूरी प्रोजेनी में, मतलब बहुत ज्यादा अगर क्लस्टर ऑफ कॉकरोचेस, वहां पे कोई एक वाइट कॉकरोच, इंडियन स्पीशी ऑफ द कॉकरोच जो है वो अवेलेबल होगी. ठीक है, सो दैट इज द एलियन स्पीशीज इन्वेजन, फॉरन स्पीशीज इन्वेजन दैट हैज लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द, जो हमारी लोकल वेराइटी थी उसकी एक्सटिंक्शन हो गई जस्ट बिकॉज, क्योंकि वहां पे कुछ फॉरन वेराइटी जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है, यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जाम्पल ऑफ द पेरीप्लैनेट अमेरिकाना, यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ द कैरेट ग्रास, एक्सेट्रा. राइट, इन योर बोर्ड यू गेट टू हैव दिस क्वेश्चन, लाइक फॉर 2 marks आपको सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ ओवर एक्सपोर्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, गिव द एग्जाम्पल.
Okay, similarly, give three examples of alien species invasion. In your NCERT books, there are some special specified type of the examples जो आपने वही याद करनी है, ठीक है? आपके बोर्ड्स में वही वाली एग्जांपल्स मे बी पेरीप्लैनेटा की है या नहीं, देख लेना। तो दिस इज ये क्वेश्चन अकेला ही 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ चुका है, दिस ओनली पार्ट, एंड मेनी अ टाइम्स इट हैज बीन देयर इन योर बोर्ड्स। एलियन स्पीशी इन्वेजन, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ एलियन स्पीशी इन्वेजन दैट लेड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फॉर 2 to 3 मार्क्स नियरली, राइट? Then there is a fourth factor which is responsible for the loss to biodiversity, that is co-extinction. Means what? As the name is saying, co. Co means this will be two things together. Co term hum tabhi use karte hain. Extinction. Two of the species gets extincted together, that is called as co-extinction. ठीक है, दोनों इकट्ठे extinct हो जाएंगी, कैसे? For example, I'll give you an example, a common example from the extincted bird, that is dodo bird. If you remember, dodo bird was a bird that has been extincted, right? And it was actually responsible for, you can say, there was a tree, there was some species tree that was there in the Mauritius. So, वहाँ पे वो species जो available थी, trees की जो species available थी, उनके seeds ऐसे थे कि वो half germinate जो हैं वो डोडो बर्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम से होके आते हैं, मतलब उनका हाफ जर्मिनेशन जो है उसकी कंडीशंस जो थी दे वर अवेलेबल विद इन द सिस्टम ऑफ द डोडो बर्ड, ठीक है? तो डोडो बर्ड क्या करता था, दैट इज इट यूज्ड टू टेक द सीड्स, इट यूज्ड टू टेक द फ्रूट एंड द सीड्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्री, एंड व्हेन इट डाइजेस्टेड इट पासेस आउट द एक्सक्रीटा, द सीड्स व्हिच कम आउट दे आर हाफ जर्मिनेटेड एंड देन दे विल अंडरगो द डेवलपमेंट फर्दर, ठीक है? बट नाउ बिकॉज द कंडीशंस लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ डोडो बर्ड, डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हुआ तो उसके साथ वो ट्री भी एक्सटिंक्ट हो गया बाद में थोड़ी देर बाद, क्योंकि वहां पे जर्मिनेशन ऑफ दैट सीड जो है वो पॉसिबली हो ही नहीं रही थी, ठीक है? तो जिसकी वजह से को एक्सटिंक्शन, मतलब दो चीजें इकट्ठी ही एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ, दैट इज अ को एक्सटिंक्शन, दैट विच लीड्स टू द लॉस टू द बायोडाइवर्सिटी। एक चीज ने तो एक्सटिंक्ट किया ही, लेकिन दूसरी भी साथ में ही एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है? सिमिलरली ऐसे ही बाकी भी बहुत सारे प्लांट के पॉलिनेटर्स वगैरह होते हैं जो हेल्प करते हैं इन दिस को एक्सटिंक्शन टाइप्स, सो दैट विच एक्चुअली लीड्स टू द को एक्सटिंक्शन टाइप्स, दैट इज लीडिंग टू द लॉस टू बायोडाइवर्सिटी। गॉट इट? एनी क्वेश्चन बच्चे? ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड दिस एलियन स्पीशी इन्वेजन, एंड यू हैव द एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो, एंड दैट विल बी दैट यू हैव टू जस्ट टेक दोज एग्जाम्पल्स ओनली, दीज आर द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, and here the example from the NCERT book. Next you can just locate out from your NCERT and write down, try to write only those examples, okay? But these can be a question, direct question, 2 or 3 marks ka direct question, not included in the loss of biodiversity question. Pura nahi aata, par ye akele do points mein se question aata, theek hai? Clear? So after studying this loss to biodiversity, ki ab ye loss ho raha hai, in factors ki wajah se ho raha hai, ये सब तो हमने पढ़ लिया, दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द स्पीशी रिचनेस शुड बी देयर इन एन इकोसिस्टम, इफ द स्पीशीज आर नॉट देयर देयर इज गोइंग टू बी एन इफेक्ट टू द इकोसिस्टम। ये चीजें तो आपने देख ली, पढ़ ली, क्यों होती है स्पीशी एक्सटिंक्शन, दैट आर द लॉसेस। नाउ द नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अब यहाँ हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो है, दैट लीड्स टू द कंजर्वेशन साइड, बिकॉज द बायोडाइवर्सिटी इज बींग लॉस्ट सो वी शुड कंजर्व इट। But why should we conserve it? What are the benefits of this biodiversity that which makes us to conserve the biodiversity? So next is, why should biodiversity be conserved? क्यों इसको हमने conserve करना है? क्या need है इसकी conservation? You will be simply writing that because they are important in much aspects, that is why we need to conserve the biodiversity. है ना? सो हमने कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी को, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस इट हैज प्रोवाइडेड टू अस। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस पॉइंट्स फॉर दिस, दैट इज इट्स यूटिलिटीज, दैट व्हिच हैज बीन मेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। सो यू कैन राइट हियर दैट बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस दीज नीड टू बी व्हाट डू यू से कंजर्व्ड, ओके? दीज नीड टू बी कंजर्व्ड ओनली बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स दैट व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड टू। So that can be
the requirements which can be categorized as narrowly utilitarian. Utilitarian. Narrowly utilitarian and broadly utilitarian means the things which are utilized by us, right? But that is very commonly available also, and that things that which are commonly available but from the plants only, okay? And they are required by us in a huge amount or very narrowly. You can say there is no scope ki hame sirf wahi chahiye, kuch aur uske sath adjustable nahi hai, theek hai, koi aur cheez nahi aa sakti. So that is the narrowly utilitarian. They are directly those products that which are obtaining from the forest, from the plants, from the animals, all those products that which forms a narrowly utilitarian. For example, from the forest, kya kya cheeze milti hain aapko? From the plants, you get to have the spices and the condiments. Aur kya milta hai? We get to have the paper. From the paper pulp of the wood, ठीक है, paper मिलता है. और some of the plants are medicinally very important. We get to have the medicines from there. We also get to have the cereals, pulses. ये सारी जो हमारे पास क्या कहते हैं crops हैं, उनसे मिलता है, ठीक है. Then similarly the fruits and the vegetables that which are obtained from the crops or the food products which we get from it, right? You also get to have the fuel. As in the form of the wood, है ना, wood as fuel use होता है. So these are some of the products, etc. So these are some of the products that which we obtain from the biodiversity, right? These also provide us some more components that which are not just having only one use. जैसे अगर हम बोलें wood pulp जो है वो सिर्फ paper बनाने के काम आ रही है और हम उसको paper को use कर रहे हैं. Medicinal plant जो है वो medicine देते हैं और हम उसको use करते हैं. But overall, there is also, these are all utilized in a broader manner also. Apart from getting the products, that is all the simple, single product from one species, alag-alag species se, jo hume just thoda sa ek cheez mil rahi hai, sirf wahi ke liye hamare paas important nahi hai biodiversity. It is also important for the broader view, agar hum iska dekhein, aur agar hum iski broadly utilitarian ko study karein. Utilitarian. If we study that, then we get to have that all the plants provide us oxygen, है ना? ये along with providing spices, they are also giving us oxygen. Along with providing oxygen, they also provide us a shelter and everything, है ना? थोड़ा warmthness जो है और temperature किसको खत्म करते हैं, transpiration करते हैं तो पानी water moisture जो है add करते हैं, जिससे जो rainfall है वो possibly हो पाएगी. So ये सारी चीजें क्या है, they are providing the balance in an ecosystem that for carbon dioxide and oxygen balance create karte hain, theek hai. They are responsible for reducing the soil erosion and providing us more of the products for that, theek hai. To ye kuch ek hamare paas carbon dioxide oxygen balance is there. Then water cycle chalate hain jisme this is also responsible for the rainfall, hai na, we get the rainfall because of this. All the plants get nourished with this water and all, that is because of the rainfall, right? Carbon dioxide animals se mila, lekin oxygen plants deti hain aur ye wapas ek dusre ko utilize karti hain, balance create karti hain, that is the biodiversity. Plant and animal sara jo hamare paas available hota hai. We also call the plants ka jo forest area hai, jaise Amazon forest hai, it's a big area, hai na, so we also call it as the lungs of the earth. हम उसको नाम ही दे चुके हैं एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, मतलब दैट इज दैट इम्पॉर्टेंट. इट इज गिविंग आउट ऑल द ऑक्सीजन हमारी धरती के ऊपर, जो मैक्सिमम ऑक्सीजन हमें अवेलेबल हो रही है, दैट इज ऑल वी आर गेटिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट टाइप ऑफ द इकोसिस्टम्स दैट विच आर ब्रॉडली अवेलेबल टू अस. सो अपार्ट फ्रॉम ऑल द सिंगल प्रोडक्ट्स, है ना, एक स्पीशी एक प्रोडक्ट से अलावा हमें और बहुत सारी चीजें जो है वो अवेलेबल होती हैं फ्रॉम द this biodiversity. Even you can explain it here, the role of the pollinators. जैसे biodiversity में क्या है कि जितना plant ज्यादा होगा वो हमारे लिए अच्छा, पर plant ज्यादा कैसे होगा, क्योंकि animals उसको help करेंगे pollination में, animals help करेंगे seed dispersal में, ठीक है. So that is all counted as a broadly utilitarian, right? Then next is ethical utilitarian, मतलब
एथिक्स क्या कहते हैं, दैट इज हाउ दिस बायोडाइवर्सिटी कैन बी व्यूड फ्रॉम द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट आर द एथिकल आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. शैल इट बी कंजर्व्ड और नॉट, हाँ जी, शैल इट बी कंजर्व्ड, यस ऑफ कोर्स. आर एथिक्स से दैट दिस प्लैनेट अर्थ is not just that of the humans. This is also shared by the plants, by the other animals, by the microbes. बड़े छोटे सारे जो organisms हैं वो सबका है, है ना. We are not just the ones which are, we are living. Basically अगर आप पिछले topic पे जाएं तो loss to biodiversity में सबसे बड़ा role ही क्या है, humans का, है ना. Anthropogenic factors जिसको हम बोलते हैं, humans are the major causes for the loss to biodiversity. तो why the humans they are creating this loss to the biodiversity? That can be seen with the ethical view as well. हमारे ethics क्या कहते हैं कि this is not just a planet of ours, this is a planet of them also. As we are having our homes, वो हमारा घर है, हम वहाँ पे रहते हैं, वो हमारा घर है, ठीक है. पर पूरी धरती, पूरा earth आपका घर नहीं है, है ना. That is your home because you are getting all the benefit from it. And in return, अगर आपको इतना फायदा मिल रहा है इससे, अगर ये plants ना होते, पूरी धरती के ऊपर plants ना होते, oxygen का जो कंट्रोल है पूरी अर्थ के ऊपर प्लांट्स की वजह से, वो ना होता तो आप सर्वाइव कर पाते? नो. द अदर थिंग्स ऑन दिस अर्थ दे आर एक्चुअली बेनिफिटिंग यू एंड दैट इज योर मॉरल वैल्यू, कि अगर वो आपको इतना फायदा पहुंचा रहे हैं तो आपको भी उनको बेनिफिट देना चाहिए. तो दैट इज व्हाट द एथिकल आर्ग्यूमेंट सेज, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट जस्ट योर प्लैनेट, नंबर वन. नंबर टू, इफ यू आर बीइंग बेनिफिटेड बाय दिस बायोडाइवर्सिटी, इट्स योर मॉरल ड्यूटी दैट यू शुड ऑल्सो बेनिफिट देम. You should not harm the animals, you should not kill the animals, you should not exploit the animals, you should not exploit the plants, you should not kill the plants, you should not uproot the plants, deforestation nahi hona chahiye. To ye sara kuch kya hai, that is the ethical utilitarian. Yahan pe aapne sirf do cheeze samjhani hai, that is number one is that the planet is shared by the other organism, uske upar thoda sa converse karna hai. Aur second aapne bolna hai, that is on the ये जो भी मैंने आपको बताई है चीजें, कि दे आर बेनिफिटिंग द बायोडाइवर्सिटी इज बेनिफिटिंग यू इन मच मैनर्स, ये सारे प्रोडक्ट्स देते हैं आपको. तो इन दोनों की वजह से आपको थर्ड वाला भी फॉलो करना चाहिए, यू शुड ऑल्सो बेनिफिट देम, ठीक है. तो ये दो पॉइंट्स पे आपने यहाँ पे पूरा, अगर आपको फिलोसॉफिकल आंसर आता है व्हाट आर द एथिकल वैल्यूज और व्हाट आर योर एथिकल यूटिलिटेरियंस अकॉर्डिंग टू यू फॉर बायोडाइवर्सिटी, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देन दैट इज यू हैव टू जस्ट कमेंट ऑन दैट. Okay, so commented like this, right? Got it? And after this, there is the ways of conservation that are in situ and ex situ conservation, but your time is going to be over. So for today, this is only this much. Tomorrow, we'll finish this chapter and Monday, we'll start with another chapter. Right? Anybody having any question, any doubt?